अच्छा, तो आज आप लोगों का चौथा लेक्चर है, ठीक है? चलिए, तो कुछ प्रॉब्लम की वजह से हम शूट नहीं कर पाए थे, ठीक है? कुछ काम आ गया था। रात के 12 बज रहे हैं अभी, आप लोग सो रहे होंगे और हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है? चलिए, तो कैसा लग रहा है आप लोगों को पढ़ाई? आप लोग बता नहीं रहे कमेंट में, ठीक है? तो ज़रूर बताइए कि आप लोगों को कैसा लग रहा है, ठीक है? कौन कौन बच्चे पढ़ रहे हो ये हमें भी पता चलना चाहिए। आज हमारा चौथा दिन है मुलाकात का, ठीक है? तो कमेंट में जरूर करें, जो भी बच्चे 11th के पढ़ रहे हैं कमेंट में आप लिखें कि हम 11th के पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो हमें पता चलेगा कौन कौन बच्चा पढ़ रहा है। चलिए, और देखो एक दो दिन के अंदर सीट अपलोड हो जाएगा PDF का, ठीक है? क्वेश्चन फिर आप लोग करोगे। चलिए, तो नंबर सिस्टम में हम लोग कहाँ तक पढ़े थे? शायद रेशनल नंबर से पढ़ना था, ठीक है? चलिए, तो रेशनल नंबर देख लेते हैं, ठीक है? चलो, रेशनल नंबर क्या होता है हिंदी में? परिमेय संख्या। चलिए, तो हिंदी मीडियम वाले, जिसे PYQ के फॉर्म में लिखा जाए, ठीक है, वैसा नंबर जिसे PYQ के फॉर्म में लिखा जाए उसको बोला जाता है क्या? रेशनल नंबर। अ नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ PYQ, ठीक है? वेयर, ये हुआ आपका रेशनल नंबर, ठीक है? वेयर क्या, अगर इस फॉर्म में लिखे हैं कि x इज इक्वल टू, हमारा x रेशनल नंबर है, ठीक है? x क्या है? रेशनल नंबर है। और x इक्वल टू क्या होगा? PYQ। वेयर P एंड Q दोनों क्या होना चाहिए? इंटीजर। P एंड Q बोथ आर इंटीजर्स, ठीक है? बट ये जो दिख रहा है Q, Q नॉट इक्वल टू 0, ठीक है? इस फॉर्मेट का जो भी नंबर होगा, नंबर हमारा क्या है? वो सारे x नंबर है, ठीक है? सच दैट x इक्वल टू क्या होना चाहिए? P अपॉन Q, ठीक है? रेशनल नंबर को Q से डिनोट करते हैं। तो जो भी नंबर PYQ के फॉर्म में होगा उसे रेशनल नंबर बोलेंगे। कब? जब P और Q क्या हो? इंटीजर हो। और ये जो डिनोमिनेटर वाला है क्यू, उसका वैल्यू 0 नाउ, ठीक है? क्यों? 2y0, 1y0, ये सब क्या है? बहुत बड़ा नंबर है, क्या है नंबर पता नहीं, ठीक है? कर नहीं सकते क्या होगा, ठीक है? इनफाइनाइट को टेंड करेगा। इनफाइनाइट कोई नंबर नहीं है, ठीक है? बस एक सिंबल यूज करते हैं, ठीक है, लिखने के लिए। 1y0 इनफाइनाइट नहीं होता, लेकिन 1y0 क्या करते हैं? एक बहुत बड़ा नंबर होगा ये शो करते हैं, ठीक है? चलिए, तो देखो, तो क्यों 0 नहीं होना चाहिए? अगर 0 हुआ तो फिर ये डिफाइंड नहीं हो पाएगा, ठीक है? चलो, तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे 1/2, 3/4, ठीक है? चलो, 7/3, क्या ये रेशनल नंबर है? बोलो क्या होगा ये? क्यों? PYQ के फॉर्म में इसको लिख सकते हैं, अपॉन में कुछ नहीं तो क्या होगा? 1 होगा। बताना, ये वाला PYQ के फॉर्म में होगा? 0 को रेशनल नंबर बोल सकते हैं? बोल सकते हैं। क्यों? अपॉन में कुछ नहीं तो क्या है? 1 है, ठीक है? चलो, तो ये सारा आपका क्या हो गया? रेशनल नंबर। क्या ऐसा रेशनल नंबर हो सकता है 0.5? हो सकता है, हो सकता है। 0.5 को आप PYQ के फॉर्म में लिख सकते हो, पॉइंट हटाओगे अपॉन में क्या आएगा? 10। तो 5/10 क्या हो जाएगा? 1.2 होगा ऐसा। चलो, क्या ये रेशनल नंबर होगा? 0.33333 ... ये होगा रेशनल नंबर, ये भी होगा। देखो, ये नंबर जो है डेसिमल के बाद वाला डिजिट जो है रिपीट कर रहा है, ठीक है? और डॉट 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 कहाँ तक जा रहा है? इनफाइनाइट तक, ठीक है? ये कभी खत्म नहीं होगा, ठीक है? 3 3 चलता रहा। तो इसको जो है ऐसे भी आप लिख सकते हो, 0.3 की पावर 3 के ऊपर बार, ये इसको बार पढ़ते हैं, ठीक है? तो ऐसे भी लिखा जाता है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये जो डिजिट है 3, ये बार बार क्या करेगा? रिपीट करेगा, ठीक है? इसको ऐसे भी डिनोट किया जाता है, 0.3 डॉट देना है ऊपर में, ठीक है? तो ये भी हुआ 0.3 रेकरिंग, 0.3 रेकरिंग। रेकरिंग का मतलब क्या हुआ? रिपीटिंग, ठीक है? 3 बार बार रिपीट करेगा, ठीक है? तो ये भी क्या है? रेशनल नंबर है, ठीक है? आपको कन्वर्ट करना सिखाएंगे, ठीक है? क्लास 9th में पढ़े थे आप लोग, 10th में पढ़े हो। तो 0.3 पे रेकरिंग रहता है,
तो इसको पी वाई क्यू फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ठीक है? चलो, तो पी वाई क्यू के फॉर्म में जो भी नंबर रहेगा वेयर क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, वो सारे के सारे क्या होंगे, रेशनल नंबर होंगे। चलिए, तो हम लोग चेंज करना सीखते हैं, ठीक है, कि रिकरिंग वाला नंबर को रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, वाला नंबर को कैसे चेंज करते हैं पी वाई क्यू के फॉर्म में, ठीक है? चलो, तो क्या है, 0.33333 डॉट डॉट डॉट, ठीक है? क्या करो, इसमें कितना डिजिट रिपीट कर रहा है, ठीक है, एक डिजिट रिपीट कर रहा है। तो अगर एक डिजिट पर रेकरिंग होगा तो आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे, दो डिजिट पर रेकरिंग होगा तो 100 से, ठीक है? तो बताओ 10 मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा, 10x। तो बताओ ये जो पॉइंट है डेसिमल, ये यहाँ पे चला आएगा उचक के, ठीक है, 3.3333 डॉट डॉट डॉट, ऐसा होगा। फिर देखना जनाब, 3 प्लस पॉइंट के बाद 333 है, क्या ऐसा लिख सकते हैं? देखो, 3.3 को लिख सकते हैं अपन, क्या 3 प्लस 0.3 लिख सकते हैं। चलो, 3.3 को 0.33 ऐसा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो बोलो क्या लिख सकते हैं इसको, 0.3333 डॉट डॉट डॉट, ठीक है? चलो, तो इस नंबर को हम लोग क्या लेट किए हैं, 0.3333 का इनफाइनाइट टाइम्स आना एक्स लेट किए हैं। तो क्या इस फोटो को एक्स बोल सकते हैं, बोल सकते हैं, ठीक है। 10x इक्वल टू 3 प्लस एक्स, एक्स को इस साइड लाओगे तो 10x माइनस एक्स क्या हो जाएगा, 9x इक्वल टू क्या 3। तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/9, और 3/9 किसके इक्वल है, 1/3 के, ठीक है। तो देखो, 0.3 बार जो नंबर था उसको पी वाई क्यू के फॉर्म में क्या है, 1/3 है, ठीक है। चलो, तो और भी नंबर है जिसको चेंज करने बताते हैं। तो याद रखना, 0.39 को 0.3 बार को लिख सकते हो 3/9, 0.4 बार को 4/9, 0.5 बार को 5/9 लिख सकते हो आप, ठीक है, 0.1 बार को क्या लिख सकते हो, 1/9, 0.9 बार को क्या लिख सकते हो, 9/9, और 9/9 क्या हो जाएगा, 1 के इक्वल है। याद रखना, 0. इससे रिलेटेड क्वेश्चन आगे सॉल्व होगा, ठीक है, 0.9 बार ये 1 के ही इक्वल है, किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, बताना, 1.1 बार, ठीक है, सॉरी 1.9 बार, बताना, 1.9 बार को अपन लिख सकते हैं 1 प्लस 0.9 बार, ठीक है, और 1 प्लस जो 0.9 बार दिख रहा है वो किसके इक्वल है, 1, तो 1 प्लस 1 क्या 2। तो देखा जाए तो ये कुछ और नहीं, सिर्फ 2 लिखा हुआ है, ठीक है। उसी प्रकार सिमिलरली 2.9 बार किसके इक्वल होगा, 3 के इक्वल होगा, आई बात समझ में। चलो, तो जैसे ये इसको पी वाई क्यू फॉर्म में लिखे हो वैसे ही आप इसको भी कर लेना, ठीक है। चलो, कुछ और नंबर देखते हैं। देखो, अगर नंबर रहा, सपोज ये नंबर रहा, ठीक है, 7.33333, इसका मीनिंग क्या हुआ, 7.3 बार, ठीक है, ऐसा होगा। तो सुनो, 7.3 बार को आप लिख सकते हो 7 प्लस 0.3 बार लिख सकते हैं। तो x इज इक्वल टू 7 प्लस 3 बार क्या बताया अभी, 3/9, ठीक है, क्या हो जाएगा, 3 बार को क्या लिख सकते हैं अपन, 3/9। तो बोलो, 9 मल्टीप्लाइड बाय 7 कितना होगा, 63, और प्लस क्या, 3/9 कितना हो जाएगा बताना, 66/9 होगा। तो ये क्या हो गया, पी वाई क्यू के फॉर्म में, ठीक है। चलो, तो ऐसे कोई भी अगर नंबर रहा, ठीक है, तो डायरेक्ट अब सोल्व करना सीखेंगे, ठीक है, कैसे डायरेक्ट इसको चेंज कर सकते हैं पी वाई क्यू के फॉर्म में। तो सुनो, क्या था यहाँ पे, 7.3 बार था, तो 7.3 बार को अगर चेंज करना है पी वाई क्यू के फॉर्म में, तो क्या करना कि पूरा नंबर लिखना, कंप्लीट नंबर क्या लिखोगे, कंप्लीट नंबर, फिर माइनस क्या करोगे, माइनस, ठीक है, कंप्लीट नंबर माइनस नॉन रेकरिंग वाला डिजिट, ठीक है, जो नॉन रेकरिंग हो। तो बताओ नॉन रेकरिंग कौन सा है, 7, तो यहाँ पे नॉन रेकरिंग वाला डिजिट क्या करना, सब्ट्रैक्ट करना, अपॉन, फिर क्या करोगे कि ऐसा डेसिमल के बाद कितना डिजिट है जिस पे रेकरिंग लगा हुआ है, तो ऐसा एक डिजिट है,
तो एक डिजिट है तो उसके लिए एक नाइन अपॉन में लिखोगे, ठीक है। अगर दो डिजिट पे रिकरिंग रहता तो दो नाइन आता, ठीक है। तो 73 माइनस 7 66 होगा अपॉन 9। आई बात समझ में? चलो कोई और नंबर लेते हैं, 7.7 कुछ और कर लेते हैं, चलो 8.13 पे रिकरिंग है, ठीक है। 8.13 इसको चेंज करना है, क्या करोगे? कंप्लीट नंबर। और क्या करेंगे बोलो? माइनस नॉन रेकरिंग, इसी पे ना रेकरिंग नहीं है, ये ऐसा नंबर है जिस पे रेकरिंग नहीं है, अपॉन अपॉन क्या? ऐसे कितने डिजिट हैं डेसिमल के बाद जिस पे रेकरिंग है? दो डिजिट है, तो क्या हो जाएगा? 2 9, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर? डायरेक्ट सीखो। फिर सुनो, अगर ऐसा रहता 8.8.517 और इस पे दो ही पे रेकरिंग रहता, ठीक है, तो क्या करते? कंप्लीट नंबर 8517 माइनस, फिर क्या करेंगे? नंबर्स जिस पे रेकरिंग ना हो, तो बताओ ये क्या होगा? 85, 8.5 नहीं, 85 लिखना, ठीक है। 85 अपॉन, फिर अपॉन क्या लिखोगे? डेसिमल के बाद ऐसे कितने डिजिट हैं जिस पे रेकरिंग है, तो दो डिजिट है, तो 2 9 लिख देना 2 टाइम्स। फिर देखो पॉइंट के बाद, ठीक है, डेसिमल के बाद ऐसा कितना डिजिट है जिस पर रेकरिंग नहीं है, तो ऐसा एक डिजिट है, तो उसके लिए 1 0 लिखना, ठीक है। ये आपका PYQ के फॉर्म में होगा आंसर, चेक करके देख लेना, ठीक है। चलो कुछ और एग्जांपल्स करवाते हैं। देखो एक और नंबर लेते हैं हम लोग, फिर देख लेते हैं। 13.02179, ठीक है। चलो इसको चेंज करना है PYQ के फॉर्म में, क्या लिखेंगे बोलो? कंप्लीट नंबर, कंप्लीट नंबर लिखो 13021 79 माइनस नॉन रेकरिंग वाला, ये है होगा ना 1302, तो लिखो 1302 अपॉन अपॉन क्या होगा बच्चे? डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं जिस पर रेकरिंग है? 3, तो 9 कितना टाइम्स आएगा? 3 टाइम्स आएगा। और बताना डेसिमल के बाद ऐसे कितने डिजिट हैं जो नॉन रेकरिंग है, ठीक है। तो ऐसे 2 डिजिट हैं जो नॉन रेकरिंग है, उसके लिए 0 लिखते हैं, ठीक है। तो ये आपका PYQ के फॉर्म में चेंज हो गया, ठीक है। तो अच्छे से सीख लो कैसे कन्वर्ट करते हैं डायरेक्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, तो रेशनल नंबर देख लिए। रेशनल नंबर जो है PYQ के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो जो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग जो नंबर होगा, और रिपीटिंग को रेकरिंग भी बोला जाता है, ठीक है। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाला जो नंबर होगा उसे भी रेशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है। चलिए, और रही बात ये 4/3, देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से क्या है? बड़ा है, तो ऐसे नंबर को प्रॉपर नहीं इम्प्रॉपर बोलते हैं, ठीक है, इम्प्रॉपर रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं इसको? इम्प्रॉपर रेशनल नंबर, ठीक है। और अगर 3/4 रहता है, ठीक है, यानी इसका वैल्यू लेस देन 1, ठीक है, 1 से लेस रहता, 1 से लेस है, तो इसको बोला जाता है प्रॉपर प्रॉपर रेशनल नंबर। क्लियर? चलिए तो नेक्स्ट देखा जाए, रेशनल नंबर क्या होगा नोट करके लिखना, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग वाला, रिपीटिंग को रेकरिंग में बोला जाता है, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग वाला जो नंबर होगा वो भी क्या होगा? एक रेशनल नंबर होगा, ठीक है, जिसे PYQ फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं अपन। तो याद रखना 0.9 बार को क्या बोल सकते हैं? 1 के इक्वल है, ठीक है। चलो इरेशनल नंबर देख लेते हैं, IRRATI, इरेशनल नंबर क्या हो जाएगा हिंदी? अपरिमेय। देखो इरेशनल नंबर को आप क्यू डैश से दिखा दो या फिर क्यू कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, इसका मीनिंग भी वही हुआ, इरेशनल, ठीक है। क्या हुआ? इरेशनल, जो रेशनल ना हो। चलो जैसे याद करो प्रोबेबिलिटी में पढ़े हुए क्लास 10th में, ठीक है, अगर ई इवेंट के होने को शो करता है, ठीक है, ई शोज द अकरेंस ऑफ द इवेंट ई, देन ई डैश क्या शो करता है? नॉन अकरेंस ऑफ द इवेंट, या फिर क्या ई कॉम्प्लीमेंट से शो करते हैं। पढ़ा था बचपन में, इसका प्रोबेबिलिटी प्लस इसका प्रोबेबिलिटी का सम कितना होगा? 1 होता है। उसी प्रकार से रेशनल दो दुनिया होता है रियल नंबर के, एक रेशनल और एक इरेशनल, ठीक है। तो अगर रेशनल को क्यू से डिनोट करते हैं तो इरेशनल को क्या? क्यू डैश या फिर क्यू कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। चलो तो क्या होता है इरेशनल नंबर पता है आप लोगों को, जिसे PYQ के फॉर्म में ना लिख सकें, ठीक है।
अ नंबर विच कांट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ टी वाई क्यू वेयर क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। चलो तो इरेशनल नंबर का एग्जाम्पल क्या होगा, रूट थ्री, क्यूब रूट फाइव, ठीक है, सेवेंथ रूट ऑफ माइनस फाइव, ये भी रियल नंबर है और रियल में भी कैसा इरेशनल नंबर, ठीक है। फिर पाई ई, पाई का वैल्यू क्या होता है अप्रोक्स 3.14159 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। देखो पाई इरेशनल नंबर है और ये रेशनल नंबर है, ठीक है, क्योंकि पी वाई क्यू फॉर्म में है। तो सुनो ये दोनों इक्वल नहीं होता है। अब बोलोगे बच्चे सर इसका वैल्यू तो हम लोग यूज करते थे पाई का वैल्यू 22/7, तो सुनो पाई का जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है वो 3.14159 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, और ये नंबर जो है नॉन टर्मिनेटिंग होता है, जितने भी इरेशनल नंबर है वो नॉन टर्मिनेटिंग, कभी खत्म होने वाला नहीं है, चलता रहेगा, ठीक है, और नॉन रिपीटिंग, ना ही कोई डिजिट रिपीट करेगा, ठीक है, कितना नंबर ऑफ टाइम्स डिजिट रिपीट नहीं करेगा, ठीक है। तो सुनो तो ये रहा नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, और इसमें रिपीट नहीं करेगा, ठीक है। 22/7 क्या है, रेशनल नंबर है, तो ये अगर नॉन टर्मिनेटिंग हुआ भी, ठीक है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग ही होगा तो क्या होगा, ये जब नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो ये रिपीट करेगा, ठीक है, आफ्टर डेसिमल के कुछ डिजिट बाद इसका जो वैल्यू है वो बार बार क्या करेगा, रिपीट करेगा, ठीक है, और जो टर्मिनेटिंग डेसिमल वही होगा, ठीक है, जिसके अपॉन में ओनली 2 और 5 हो, ठीक है, अगर कोई रेशनल नंबर पी वाई क्यू सिंपलेस्ट फॉर्म में है, ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में कब होगा, पी वाई क्यू इज इन सिंपलेस्ट फॉर्म, देखो अगर ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, सबसे सरल रूप में होगा, कब, जब एच सी एफ किसका बच्चे, पी और क्यू का कितना हो जाए 1, पी और क्यू का अगर एच सी एफ 1 हो जाए तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, जैसे देखो 3/4, बताओ दोनों का एच सी एफ कितना होगा, 1 होगा, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। देखो इसमें अगर 3 मल्टीप्लाई कर दिया 4, चलो 4 मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 4 12 और 4 4 जा क्या 16, देखो ये भी यही यही रेशनल नंबर को शो कर रहा है, ठीक है, बट ये क्या है, ये 3y जो 4 है ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है और ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, ठीक है। चलो तो क्या करते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इन दोनों का जो एस सी एफ होगा उससे डिवाइड करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, ठीक है, तो बताना 12 और 16 का एच सी एफ क्या होगा बच्चे, तो इसका एच सी एफ 4 होगा, क्योंकि यही क्या है, एक ऐसा नंबर है जो दोनों को क्या कर रहा, डिवाइड कर रहा है, यही छोटा नंबर है, ठीक है। चलो तो 4 इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा, तो जो एस सी एफ होता है, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, क्या करते हैं उससे डिवाइड करते हैं न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, किस में कन्वर्ट करने के लिए, सिंपलेस्ट फॉर्म में, ठीक है। तो अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में है तो इसका मतलब ये है कि दोनों का एस सी एफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, याद रखना। चलो तो क्या बोल रहे थे कि कोई भी रेशनल नंबर, ठीक है, कोई भी रेशनल नंबर का जो डेसिमल फॉर्म होगा और टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है, कब, जब क्यू का वैल्यू 2m × 5n के फॉर्म में हो। अगर ये कोई भी रेशनल नंबर सिंपलेस्ट फॉर्म में है तो ये टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है, क्या होगा, टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है, कौन सा डेसिमल होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल मतलब शांत दशमलव, ठीक है, कब, जब डिनोमिनेटर मतलब हर 2m × 5n के फॉर्म का हो, ठीक है, वेयर m एंड व्हाट, m और n जो है नॉन नेगेटिव इंटीजर होंगे, ठीक है, कैसा इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर, ठीक है, अगर ये नॉन नेगेटिव इंटीजर है तो नॉन नेगेटिव क्या होता है, जो नेगेटिव ना हो, मतलब जीरो भी पावर हो सकता है, ठीक है, यानी कोई नंबर देखते हैं 5/2, बताओ 2 कितना है 1, 5 यहाँ कुछ नहीं तो पावर क्या होगा 0, बताओ नॉन नेगेटिव है, ये भी नॉन नेगेटिव है, क्लियर, तो बताओ 5/2 जो है इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा, मतलब डेसिमल के कुछ डिजिट बाद ये रुक जाएगा, ठीक है, जैसे 5/2 जब डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 2.5, क्लियर, बट अगर लो 1/3, ठीक है, तो 1/3 जब डिवाइड करोगे तो 0.3333 डॉट 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 आता रहेगा, ठीक है, तो ये हुआ नॉन टर्मिनेटिंग और ये हुआ टर्मिनेटिंग, ठीक है, तो नॉन टर्मिनेटिंग कब होगा, जब डिनोमिनेटर किसी भी
किसका? रेशनल नंबर का। अगर रेशनल नंबर सिंपलेस्ट फॉर्म में है तो इसका डिनोमिनेटर अगर इस फॉर्म में नहीं है, ठीक है, तो ये होगा नॉन टर्मिनेटिंग। और अगर डिनोमिनेटर इस फॉर्म में है तो क्या होगा? डेसिमल टर्मिनेटिंग, ठीक है। चलो तो टर्मिनेटिंग क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग होगा कब? ये पता चल गया, जब डिनोमिनेटर इस फॉर्म में हो। लेकिन कौन से रेशनल नंबर का? जो सिंपलेस्ट फॉर्म में हो। सिंपलेस्ट फॉर्म कब होगा? जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का एचसीएफ कितना हो? 1 हो, ठीक है। चलो हाँ, तो बात कर रहे थे पाई का, ठीक है। तो पाई एक इरेशनल नंबर है और 22/7 क्या है? रेशनल नंबर है। बताना ये जो डिनोमिनेटर दिख रहा ये क्या है? इस फॉर्मेट का नहीं है, ठीक है। तो नहीं है तो इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जो होगा वो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा? तो पता है नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है, क्योंकि अगर ऐसा फॉर्म रहा तो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, बट ऐसा नहीं रहा तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है, बट ये रिपीटिंग होगा। क्या होगा? रिपीटिंग। लेकिन पाई क्या होता है? रिपीटिंग नहीं होता है, ठीक है। ये तो नॉन टर्मिनेटिंग, ये भी होता है बट रिपीट नहीं करेगा, ठीक है, डेसिमल के बाद डिजिट। चलो तो ये दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। तो पाई का वैल्यू 22/7 क्यों हम लोग यूज करते हैं? तो कैलकुलेशन करने के लिए, ठीक है, क्योंकि पाई का वैल्यू डेसिमल के 2 डिजिट बाद जो होता है वही 22/7 का भी वैल्यू होता है, ठीक है। जब 22/7, 22 को जब 7 से आप डिवाइड करते हो तो इसका भी वैल्यू 3.142 ऐसा और कुछ आएगा। ये किसका वैल्यू है? 22/7 का, ठीक है। तो देखो डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक का जो वैल्यू है किसका? पाई का और 22/7 का, दोनों क्या है? सेम है, ठीक है। तो याद रखना पाई इरेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर, दोनों का भी पॉसिबल नहीं है, इक्वल होगा, ठीक है। बट हम यूज क्यों करते हैं 3.14? क्योंकि इसका वैल्यू अप्रोक्स इतना होता है, ठीक है। चलो ई, ये भी एक इरेशनल नंबर है, ठीक है, पढ़ेंगे लॉगरिथम में, फिलहाल जान लो, ठीक है। तो ई के बारे में, ठीक है, इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू, ठीक है, इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो होता है 2.71 होता है, ठीक है। ये भी एक इरेशनल नंबर है, इसका वैल्यू याद रखना, अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होता है? 2.71। ये भी, इसका मतलब क्या हुआ? ये भी नॉन टर्मिनेटिंग होगा और नॉन रिपीटिंग, ठीक है, रिपीट नहीं करेगा और कभी खत्म नहीं होगा। अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या याद रखोगे इसको? 2.71। किसका? ई का वैल्यू। ये भी एक इरेशनल नंबर है, क्लियर। चलो तो इरेशनल नंबर जिसे पी वाई क्यू को फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, क्या ये इरेशनल नंबर है? 1.201001001, क्या ये वाला इरेशनल नंबर होगा? होगा, देखो नॉन टर्मिनेटिंग है। और जो देख रहे हो क्या कोई डिजिट रिपीट कर रहा है? देखो तो एक डिजिट, एक एक डिजिट नहीं रिपीट कर रहा, बार और दो दो नहीं आ रहा। देखो तो 2020 2020 नहीं, अगर यहाँ पे लिखते हैं हम 1, ठीक है, तो बताना 1010 रिपीट कर रहा, क्या आगे 10 आ रहा है? नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आप ऐसे एग्जाम्पल दे सकते हो, क्लियर। चलो तो इरेशनल नंबर समझ में आ गया क्या होता है, ठीक है, जो नॉन टर्मिनेटिंग होगा और नॉन रिपीटिंग, लिख लेना, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ठीक है। रिपीटिंग को रेकरिंग में बोलते हैं, नॉन रेकरिंग, रेकरिंग का मतलब क्या होता है? रिपीटिंग, ठीक है। तो चलो रेशनल हो गया, इरेशनल हो गया, ठीक है। अब देखते हैं रियल नंबर, ठीक है। बताना रियल नंबर किसी को मालूम हो तो क्या होगा? बताओ क्या होता है, पढ़े हो बचपन में वो सारे नंबर जो रियल नंबर पे, नंबर लाइन पे लाई करते हैं, ठीक है। नंबर लाइन पे लाई करने वाले सारे नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं, क्लियर। चलो तो देखते हैं रियल नंबर, रियल नंबर इसको कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, रियल नंबर किससे? कैपिटल आर से। चलो तो बताना बच्चे रियल नंबर, नंबर लाइन पे जितने भी नंबर है इस साइड माइनस इनफाइनाइट से डिनोट किया जाता है और इस साइड प्लस इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट, कोई नंबर रियल में है नहीं, बट क्या ये शो कर रहा है कि बहुत बड़ा नंबर कोई रहा होगा? बस ये एज ए सिंबल यूज करते हैं, ठीक है, कोई बहुत बड़ा नंबर, लेकिन क्या है ये? कोई एग्जिस्ट करता है ये नहीं नंबर, ठीक है, कोई नंबर ऐसा नहीं कि जो एग्जिस्ट कर रहा है, बस सिंबल दिखाया जाता है कि हाँ कोई बहुत बड़ा नंबर है, क्या है पता नहीं, ठीक है। चलो और ये क्या? 0, इधर क्या? 1 2 -1 -2 डॉट डॉट डॉट, इधर भी और इस साइड भी, ठीक है। देखो √2 क्या होता है? अप्रोक्सीमेट वैल्यू 1.414 डॉट डॉट डॉट, नॉन टर्मिनेटिंग होगा और नॉन रिपीटिंग होगा, क्योंकि
बताना रूट टू कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा ठीक है, 1.5 से पहले इसके बीच होगा रूट टू ठीक है। चलो रूट थ्री क्या होता है, 1.7, यहाँ पे क्या होगा रूट थ्री होगा ठीक है। तो और पाई कहाँ होगा, 3 से ज्यादा होता है ठीक है, 3.14 करीब, 3 से बाहर ठीक है, 3 के जस्ट बाद होगा ठीक है पाई। तो सुनो तो ये क्या हुआ, रियल नंबर का डेफिनेशन क्या होगा, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के भी जितने भी नंबर हैं वो सारे के सारे रियल नंबर हैं। तो लिख लेना अ नंबर विच लाइज बिटवीन, अ नंबर विच लाइज बिटवीन माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट ठीक है। फिर ऐसे भी बोल सकते हो रियल नंबर वो होगा जो माइनस इनफाइनाइट बताए थे ओपन इंटरवल ठीक है, माइनस इनफाइनाइट से लेकर माइनस इनफाइनाइट और प्लस इनफाइनाइट के बीच वाले नंबर जो होंगे ठीक है वो रियल नंबर होंगे। और सुनो यहाँ पे क्लोज इंटरवल कभी मत देना ठीक है, क्लोज इंटरवल अगर होता तो इसका मीनिंग क्या होता कि ये इक्वल है बट ये कोई नंबर ही नहीं है, तो फिर इक्वल कैसे कर सकते हो ठीक है। तो माइनस इनफाइनाइट और प्लस इनफाइनाइट के बीच जितने भी नंबर है वो सारे के सारे रियल नंबर ठीक है। चलो ऐसे भी बोल सकते हो कलेक्शन ऑफ रियल एंड सॉरी कलेक्शन ऑफ क्या, रेशनल एंड इरेशनल नंबर क्या होगा, रियल नंबर होगा। जैसे आप इस सुनो इस पर रेशनल और इरेशनल सारे नंबर होते हैं ठीक है। चलिए तो रियल नंबर हो गया क्या होता है, अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी नंबर पहले देख लेते हैं ठीक है, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर। चलो तो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर देखो, इमेजिनरी नंबर सुनो बतलाया गया था पिछले लेक्चर में आई इज इक्वल टू रूट अंडर माइनस वन होता है और इसको आयोटा बोलते हैं ठीक है। इमेजिनरी नंबर ये होता है, कैसा नंबर होता है, इमेजिनरी नंबर ठीक है। तो सुनो आई से रिलेटेड जितना भी नंबर रहा ठीक है, आई से रिलेटेड जितना भी नंबर रहा, आई हो एग्जाम्पल ठीक है, आई हो या फिर 2 आई हो, माइनस 2, 3 आई या फिर 1 प्लस 3 आई, ये सारे के सारे नंबर क्या होते हैं, इमेजिनरी नंबर होते हैं ठीक है। सारे सारे नंबर क्या होंगे, इमेजिनरी मतलब जिसमें आई शामिल हो ठीक है। अब ऐसा नहीं कि आई स्क्वायर भी क्या होगा, क्योंकि आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, माइनस वन, माइनस वन क्या है, रियल नंबर है। आई की पावर 1 हो, आई की पावर 3 हो ठीक है, आई की पावर 3 का वैल्यू क्या बतलाया गया था, माइनस आई बतलाया गया था। तो फाइनली क्या है, ये आई मतलब आई की पावर 1 वाला वैल्यू ठीक है, जितना भी नंबर में शामिल रहेगा आई वो सारे के सारे क्या होंगे, इमेजिनरी नंबर होंगे ठीक है। चलो ऐसे बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि जिस नंबर का स्क्वायर करने पर नेगेटिव आ जाए ठीक है, तो देखो इसका नंबर, इस नंबर का स्क्वायर करोगे तो क्या नेगेटिव आ पाएगा, करो इसका स्क्वायर, इसको भी हालांकि इसको कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर का ठीक है, बताते हैं अभी जस्ट। तो सुनो अगर इसका आप स्क्वायर करते हो, ये भी इमेजिनरी नंबर है, इसको भी बोल सकते हैं इमेजिनरी नंबर ठीक है। 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, आई स्क्वायर और प्लस क्या 2 a और b, ऐसा होगा। बोलो 1, आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, -1, -1 मल्टीप्लाइड बाय 9, -9, 3 इंटू 2 क्या होगा, 6 i, 1 - 9 क्या, -8 प्लस 6 i, क्या आप बता सकते हो ये नंबर पॉजिटिव या नेगेटिव है, नहीं बता सकते हो ठीक है। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप इसको बोलो कि ये नेगेटिव नंबर है या फिर पॉजिटिव नंबर है, क्यों, क्योंकि पता ही नहीं ये इमेजिनरी नंबर है, इसको जब नंबर लाइन पे नोट ही नहीं कर पाएंगे तो हम कैसे बोल सकते हैं इसको कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है ठीक है। तो ये भी इमेजिनरी नंबर, तो ये जो डेफिनेशन है ना कि जिस नंबर का स्क्वायर नेगेटिव हो जाए उसको इमेजिनरी नंबर बोलना गलत है ठीक है, क्योंकि इसका स्क्वायर करने पर निगेटिव नहीं आ रहा। अब इस नंबर को ये भी खुद इमेजिनरी है, इसको बोल ही नहीं सकते हैं ठीक है। चलो तो मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा, वो भी कह सकते हो मतलब स्क्वायर करने पर निगेटिव आने वाला नंबर भी इमेजिनरी होगा, लेकिन उसके अलावा भी है ठीक है, उसके अलावा भी इमेजिनरी की दुनिया है जो ये है। देखो 1 प्लस 3 आई, 1 माइनस 3 आई, सिर्फ 0 माइनस 2 प्लस 3 आई ठीक है, ऐसा कुछ भी हो सब होगा, मतलब आई जिसमें शामिल हो आयोटा ठीक है। चलो आयोटा जिसमें शामिल होगा उसे इमेजिनरी नंबर बोलेंगे ठीक है, मतलब रूट अंडर -1। अब जो है नंबर्स में सबसे बड़ा जो होता है सबका बाप वो है क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर ठीक है। चलो कॉम्प्लेक्स नंबर एक चैप्टर ही है 11th में, आईटीजे का सिलेबस है ठीक है। चलो तो कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में भी जान लेते हैं कि नंबर होता क्या है, और एक चैप्टर ही पढ़ना है पूरा ठीक है, विशाल चैप्टर है। चलो देखो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स
नंबर, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड से डिनोट करते हैं, ठीक है, कैपिटल जेड से, याद रखना। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, रियल और इमेजिनरी जो बोल रहे थे, ठीक है, जिसका स्क्वायर करने पर निगेटिव आया, वो सारे का कॉम्बिनेशन बोल सकते हो, ठीक है। तो देखो कॉम्प्लेक्स नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है इसका, ठीक है, लिख लो, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड से डिनोट करते हैं और जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई के फॉर्म में हो, ठीक है, जेड इक्वल टू एक्स प्लस क्या, आयोटा वाई के फॉर्म में जो नंबर होगा वो सारे के सारे क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे, ठीक है। चलो वेयर एक्स इज वाई इज व्हाट, वेयर एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू रियल, और आई के बारे में आप जानते ही हो, आई इक्वल टू क्या होता है, रूट अंडर माइनस वन आयोटा, ठीक है। तो एक्स और वाई जो होगा वो एक रियल नंबर होगा, ठीक है, क्लियर। और आई क्या है, वही आयोटा, जाना पहचाना जो पिछले क्लास में देखे हो। तो चलो, तो इस फॉर्मेट में जो भी नंबर दिखेगा वो सारे के सारे क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे, क्लियर। चलो तो ये जो जेड देख रहे हो, ठीक है, इसको रियल पार्ट बोला जाता है, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, क्या पढ़ोगे इसको, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड। तो बताना रियल पार्ट क्या है इसका, एक्स, एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड, बताना इसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, आयोटा का जो कोफिशियंट होगा, बताओ आयोटा कोफिशियंट क्या है, बाई, तो ये इमेजिनरी पार्ट होगा, ठीक है। तो इस फॉर्मेट में जो नंबर होगा वो सारे के सारे क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे, ठीक है। चलो एग्जाम्पल देते हैं कुछ, बताना जेड इक्वल टू है 2 + 3 आयोटा, ठीक है, तो बताना इसमें रियल पार्ट क्या है, 2, इमेजिनरी पार्ट क्या है, 3, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। चलो तो x प्लस आयोटा वाई के फॉर्मूले में जो भी नंबर होगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, बताना क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, 3i होगा, क्यों, सुनो, कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म में होता है, x प्लस आयोटा वाई में, x वाई क्या होना चाहिए, रियल। तो देखो आयोटा वाई तो है, वाई का वैल्यू 3 है, 3 रियल है, और देखो x x यहाँ पे कुछ नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, 0 है, 0 भी तो रियल है ना, x प्लस आयोटा वाई, तो बोलो रियल पार्ट क्या है, 0, इमेजिनरी पार्ट क्या है, 3। क्या ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर है, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर होगा क्या, ये कुछ बच्चे बोलेंगे ये तो रियल है। तो देखो क्या इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो क्या होता है, x प्लस आयोटा वाई, x का वैल्यू कितना है, 2, आयोटा वाई, x वाई क्या होना चाहिए, रियल। आई यहाँ पे क्यों नहीं दिख रहा, चलो इसको आगे करके लिखते हैं, ठीक है, आयोटा यहाँ पे क्यों नहीं दिख रहा, क्योंकि आयोटा का कोफिशियंट क्या रहा होगा, रियल नंबर 0 रहा होगा, ठीक है। रियल पार्ट क्या है, 2, इमेजिनरी पार्ट क्या है, 0, रियल पार्ट 2, इमेजिनरी पार्ट 0, ठीक है। तो सुनो ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, मतलब जितने भी रियल नंबर हैं, जितने भी रियल नंबर हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे, क्यों, क्योंकि किसी भी रियल नंबर को हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, एक्स प्लस आयोटा वाई में। देखो क्या ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, 0 ऑफकोर्स होगा, क्योंकि 0 को हम लिख सकते हैं 0 + iota × 0, रियल पार्ट भी 0, इमेजिनरी पार्ट भी क्या, 0। तो जितने भी रियल नंबर हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स होंगे, बट जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर हैं क्या वो रियल होंगे, नहीं, सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नहीं होंगे। तो एक नोट पॉइंट लिख लेना, क्या लिखोगे, ऑल रियल नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर बट ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर आर नॉट रियल, ठीक है, सभी वास्तविक संख्या समिश्र संख्या होते हैं, इसका लिख लेना समिश्र, ठीक है, सभी वास्तविक संख्या समिश्र संख्या होते हैं, लेकिन सभी समिश्र संख्या वास्तविक संख्या नहीं होते हैं, ठीक है। चलो तो नंबर्स में सबसे बड़ा जो नजर आया, जो सबका बाप है, वो कौन सा नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर की दो दुनिया है, एक रियल और एक इमेजिनरी। फिर रियल नंबर की दो दुनिया है, कौन कौन सा, एक रेशनल और एक इरेशनल। रेशनल और इरेशनल से ही सारा नंबर है। देखो रेशनल नंबर जो होता है वो टर्मिनेटिंग भी हो सकता है और नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। जब नॉन टर्मिनेटिंग होगा रेशनल नंबर तो क्या होगा, रिपीट करेगा, और इरेशनल नंबर जो होता है वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग भी होगा और नॉन रिपीटिंग भी होगा, ठीक है, ना ही रिपीट करेगा और ना ही एंड होगा, ठीक है, कभी टर्मिनेट होगा। चलो तो बहुत सारा नंबर हम लोग पढ़े, ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा नंबर भी पढ़े होंगे जो आप लोग नहीं जानते थे। तो देखो बात कर लेते हैं नेचुरल नंबर, सबसेट की बात कर रहे थे, क्या बोले थे कि जो कोडोमेन होता है,
रेंज सबसेट होता है किसका, कोडोमेन का, ऐसा पढ़ाए होंगे पहले लेक्चर में, ठीक है। और सबसेट का मतलब क्या होता है कि रेंज जो है इसका पार्ट है, किसका, कोडोमेन का, ठीक है। तो नेचुरल नंबर जो है किसका पार्ट है, ठीक है, बताओ, जितने भी, इसका मतलब होता है कि इसका सारा एलिमेंट इसमें मौजूद है। तो बताओ नेचुरल नंबर का सारा एलिमेंट किसमें मौजूद है, होल नंबर में, है ना। ये 1 से स्टार्ट होता है, ये 0 से स्टार्ट होता है, तो नेचुरल नंबर किसका सबसेट है, होल नंबर का, क्लियर। और होल नंबर किसका सबसेट होगा बताओ, इंटीजर का। होल नंबर किसका सबसेट होगा, इंटीजर। इंटीजर को आई से डिनोट करते हैं या फिर जेड से भी कहीं पर, ठीक है। और बताओ इंटीजर, जितने भी इंटीजर हैं वो सारे के सारे रेशनल नंबर हैं, ठीक है। तो आई सबसेट ऑफ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर क्या, क्यू से, क्लियर। और रेशनल नंबर जो है किसका सबसेट है, जितने भी रेशनल नंबर है वो सारे के सारे रियल नंबर हैं कि नहीं। और साथ ही एक इरेशनल नंबर, इरेशनल वो क्या करते हैं, क्यू डैश, ये भी होंगे क्या सबसेट, किसका, रियल का, ठीक है। और रियल नंबर किसका सबसेट होता है, सारे के सारे रियल नंबर क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स, और कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये बात नोट कर लेना कि नेचुरल नंबर किसका सबसेट है, होल नंबर का, मतलब सारा एलिमेंट इसका इसमें होगा, इसका सारा एलिमेंट किसमें होगा, इंटीजर में होगा, और इसका सारा एलिमेंट इसमें होगा, इसका सारा एलिमेंट इसमें होगा, इसका सारा एलिमेंट इसमें होगा, ये सबसेट का मीनिंग होता है, क्लियर। चलिए, तो हमारा नंबर्स की दुनिया क्या हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं सेट थ्योरी की, ठीक है, कुछ सेट के बारे में जानते हैं बेसिक हम लोग। चलो, तो इससे पहले बताए थे पिछले क्लास में कि नंबर्स जो भी हम लोग खत्म करना है वहां तक कर लेंगे खत्म, फिर उसके बाद सेट स्टार्ट करेंगे, और डेली बेसिक हम लोग 10, 15 या 20 मिनट हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे कल की बात करते हैं, नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम 20 मिनट क्या करेंगे, डिविजिबिलिटी रूल पहले पढ़ेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद जो सेट हम लोग का चल रहा है सेट आगे स्टार्ट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलिए, तो आइए जानते हैं सेट के बारे में, ठीक है। चलो, सेट्स, सेट्स होता क्या है, तो सुनो, आप लोग जानते हो जो चीजें अच्छे तरीके से डिफाइंड हो, ठीक है, अच्छे तरीके से डिफाइंड होने वाले जो भी ऑब्जेक्ट्स होंगे, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, सेट्स, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, लिख लो, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट्स, ठीक है। तो जो ऑब्जेक्ट अच्छे तरीके से डिफाइंड हो, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेट बोलते हैं। एग्जाम्पल, हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिख लेना, अच्छी प्रकार से परिभाषित वस्तुओं को समूह को, ठीक है, अच्छी प्रकार से परिभाषित वस्तुओं के समूह को क्या बोला जाता है, सेट बोला जाता है, ठीक है। सेट का लिख लेना समुच्चय, ठीक है। चलो, तो देखो एग्जाम्पल, जैसे बताओ जो अच्छे तरीके से डिफाइंड हो, बताओ ए ई आई ओ यू, क्या ये जो ऑब्जेक्ट दिख रहा है आपको, क्या ये वेल डिफाइंड है डिफाइंड, वेल डिफाइंड है, कुछ इसको बोला जाता है, इसका स्पेसिफिक नेम है कुछ, ठीक है, क्या बोला जाता है जनाब, मालूम है सबको, बचपन से रट रहे हो ए आई ओ यू, क्या है, वॉवेल है, ठीक है। तो ये क्या है, कलेक्शन ऑफ वॉवेल, कलेक्शन ऑफ वॉवेल, सबको मालूम है। तो देखो ये वेल डिफाइंड है, ठीक है, जानते हो कि ये क्या है, कलेक्शन है किसका, वॉवेल का। तो जो अच्छे तरीके से डिफाइंड हो उसका कलेक्शन क्या कहलाता है, सेट कहलाता है, ठीक है। और सुनो, सेट के एलिमेंट ये सब जो देख रहे हो ए ई आई ओ यू, ये सब क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स ऑफ सेट या मेंबर्स ऑफ सेट, ठीक है। चलो, या ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हो किसका, सेट का, जो एलिमेंट रहता है सेट का उसको कॉमा द्वारा सेपरेट करके लिखते हैं, ठीक है। सारे एलिमेंट्स जो ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, कर्ली ब्रैकेट के अंदर, वो कॉमा द्वारा सेपरेटेड होते हैं, ठीक है। चलो, फिर क्या बताते हैं, रिपीटेशन अलाउड नहीं है इसमें, रिपीटेशन ऑफ नंबर्स या फिर मेंबर्स या फिर एलिमेंट्स अलाउड नहीं है, ठीक है। सुनो, फिर क्या बोले थे, जैसे ए है, ई है, आई है, ओ है, यू, कितने एलिमेंट हो गए इसमें, 5, ठीक है। तो इस सेट का नंबर ऑफ एलिमेंट अगर पूछेगा तो आप कितने बोलोगे, 5। तो जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जिस सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर काउंट किया जा सकता है उसको बोलते हैं फाइनाइट सेट, और जिसके एलिमेंट काउंट नहीं कर सकते उसको इनफाइनाइट सेट। जैसे बताना, ये जो सेट हम एक लिख रहे हैं, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, बताना क्या इसका एलिमेंट काउंट कर सकते हैं, नहीं काउंट कर सकते हैं, ठीक है, ये इनफाइनाइट सेट होगा। और
और बताओ इस सेट का स्पेसिफिक नेम है क्या, ये बेल डिफाइंड है? हाँ डिफाइंड है बेल। बताना इसको क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं ना, ये कलेक्शन जो है किसका है, नेचुरल नंबर का, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये भी बेल डिफाइंड है, ये भाई नेचुरल नंबर सब लोग जानते हो, काउंटिंग नंबर को बोला जाता है वन से जो स्टार्ट है, तो ये क्या हुआ, अच्छे से डिफाइंड है। अच्छा बताना आर डी शर्मा में, ठीक है, नंबर ऑफ पेज, ठीक है, नंबर ऑफ पेजेस इन आर डी शर्मा 11, जो 11th के आर डी शर्मा बुक है, ठीक है, उसमें जो नंबर ऑफ पेजेस है, बताना ये क्या ये सेट कहलाएगा, हाँ कि ना। तो क्या करना, आर डी शर्मा 11 का निकालो और उसके पन्ने काउंट करो, काउंट करना है नहीं, सीधा क्या करो, लास्ट ओपन करो और लास्ट नंबर ऑफ पेजेस देखो कितना है, तो कितने नंबर ऑफ पेज हैं आर डी शर्मा 11th वाले बुक में, ठीक है। तो ये क्या बेल डिफाइंड है, अच्छे से, हाँ डिफाइंड है, क्योंकि कितने पेज हैं ये फाइनाइट हम लोग काउंट कर सकते हैं, ये क्या है मतलब डाटा गिवन है, ठीक है, तो ये सेट कहलाएगा, ठीक है, क्योंकि ये बेल डिफाइंड है, ठीक है। अच्छा बताना एक और एग्जांपल लिख रहा है, कलेक्शन ऑफ बेस्ट क्रिकेटर, कलेक्शन ऑफ बेस्ट क्रिकेटर इन इंडिया, बताना बेस्ट क्रिकेटर इन इंडिया, बेस्ट क्रिकेटरों का कलेक्शन जो होगा क्या ये सेट होगा, इंडिया में बेस्ट क्रिकेटर कौन कौन से हैं मालूम है, कौन कौन, सचिन, किसी को विराट, रोहित वगैरह वगैरह, ठीक है। तो जो बेस्ट क्रिकेटर हैं क्या ये कलेक्शन है अच्छे से डिफाइंड, नहीं ये डिफाइंड नहीं है, ठीक है। आपको विराट कोहली अच्छा लग रहा था, विराट कोहली बोल दोगे बेस्ट क्रिकेटर, बेस्ट क्रिकेटर क्या मतलब तरीका है नापने का, ठीक है, मेजरमेंट का क्या तरीका है, ऐसा कोई स्टैंडर्ड नहीं है ताकि हम बता सकें, ठीक है, ऐसा कोई पैमाना नहीं है, ऐसा कोई मेजरमेंट नहीं है जिससे मेजर किया जा सके, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है, जिसको फुलफिल करने से बेस्ट क्रिकेटर के लिस्ट में आ सकता है, ऐसा कोई क्राइटेरिया है क्या, नहीं। तो सुनो, ऐसा कोई क्राइटेरिया जब है ही नहीं कि बेस्ट क्रिकेटर अगर इतना सेंचुरी मार लेगा तो इसको बेस्ट क्रिकेटर बोलेंगे, ऐसा तो है नहीं, जो हर एक गेंद पे सिक्स मारता हो उसको बोलेंगे बेस्ट क्रिकेटर, ऐसा भी कोई क्राइटेरिया है नहीं, ठीक है। तो ये जो कलेक्शन देख रहे हो बेस्ट क्रिकेटर इन इंडिया का, ये अच्छे से डिफाइंड नहीं है, क्योंकि अगर हमको सचिन अच्छा लगता होगा, किसी को विराट अच्छा लगता होगा, किसी को रोहित शर्मा, हिटरमैन, बर्थडे था उसका, चलो तो समझ रहे हो ना, ये अच्छे से डिफाइंड नहीं है, ठीक है, चलो तो ये सेट नहीं कहलाएगा क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं है। बताना ये कलेक्शन ऑफ कोरोना पेशेंट्स, इन इंडिया, बताना ये सेट डिफाइंड है या नहीं, ठीक है, ये सेट होगा या नहीं, क्या होगा, सेट होगा, हाँ होगा। देखो कोरोना पेशेंट इंडिया में कितने हैं, ये डिफाइंड है, ठीक है, वेल डिफाइंड है, आपको डेटा डेली न्यूज पे दिखाया जा रहा है नंबर ऑफ पेशेंट्स, ठीक है, कितने हैं कोरोना के, तो ये क्या है, वेल डिफाइंड है, ठीक है, सारा डाटा इसका रहता है कि कितना पेशेंट है कौन से एरिया में, ठीक है, कौन से स्टेट में कितना पेशेंट है, सारा रहता है, तो ये वेल डिफाइंड है, ठीक है, तो ये सेट कहलाएगा, क्लियर, चलो ये सेट कहलाएगा, ठीक है। फोर्थ बताना कलेक्शन ऑफ मोस्ट मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन इंडिया, चलो बताना ये सेट होगा कि नहीं, कलेक्शन ऑफ मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन इंडिया, पता है मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इंडिया में कौन कौन है आप लोगों की नजर में, बोलो, किसी को क्या, श्रद्धा कपूर, तो किसी के लिए आलिया ना, तो सुनो ये बेल डिफाइंड नहीं है, ठीक है, कलेक्शन ऑफ मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल गर्ल्स इन इंडिया जो है ये बेल डिफाइंड नहीं है, क्यों, क्योंकि मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल्स किसको बोला जाएगा इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है।
किसी को अगर दीपिका अच्छा लग रहा है, ठीक है, किसी को अगर दीपिका अच्छा लग रहा है तो हो सकता है किसी को रानू मंडल भी पसंद हो, ठीक है। तो मोस्ट ब्यूटीफुल किसको बोला जाएगा, ये कोई क्राइटेरिया नहीं है कि अगर इसको फुलफिल कर लेगा इस क्राइटेरिया को तो उसे बोला जाएगा मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल्स, ठीक है। तो ये कोई क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है, मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल किसको बोला जाएगा। तो ये कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं है, तो इसलिए ये सेट नहीं कहलाएगा, ठीक है, ये सेट नहीं कहलाएगा। चलो नेक्स्ट, तो समझ में आया सेट किसको बोलते हैं, जो कलेक्शन अच्छे तरीके से डिफाइंड हो, ठीक है, उसको हम लोग सेट बोलते हैं। बताना बेस्ट नॉवेल रिटन बाय प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद, ठीक है, क्या ये कलेक्शन जो है मुंशी प्रेमचंद द्वारा जो बेस्ट नॉवेल है, बेस्ट नॉवेल जो लिखा गया है, ठीक है, क्या ये कलेक्शन वेल डिफाइंड है? नहीं, क्योंकि बेस्ट नॉवेल किसे बोलेंगे ये इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है। चलो बताना कलेक्शन ऑफ ऑल नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद द्वारा जो है जितने भी नॉवेल लिखे गए हैं उसका कलेक्शन क्या सेट होगा? हाँ, उसका कलेक्शन सेट होगा। क्यों? क्योंकि जितने भी वो नॉवेल लिखे हैं वो सारे के सारे क्या है, मालूम है, डिफाइंड है, ठीक है, क्या क्या उनका जो नॉवेल लिखा हुआ है ये सारे क्या है, ये डिफाइंड है, ठीक है। चलो तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, तो सेट को रिप्रेजेंट करने का दो तरीका है, ठीक है, चलो देखते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, ठीक है। चलो समुच्चय को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, देखो दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म, ठीक है, टेबुलर फॉर्म। और दूसरा क्या, सेट बिल्डर, सेट बिल्डर फॉर्म। देखो रोस्टर फॉर्म क्या होता है, ठीक है, सुनो, रोस्टर फॉर्म में क्या करते हैं कि सेट के जो एलिमेंट होते हैं, ठीक है, उसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर मेंशन किया जाता है, ठीक है। एलिमेंट्स, एलिमेंट्स आर इनलिस्टेड इन करली ब्रैकेट, ठीक है, सेपरेटेड बाय कॉमा। चलो तो सुनो एक एग्जांपल लेते हैं कोई सेट का, ठीक है, और उसको रोस्टर फॉर्म में लिख के देखते हैं, ठीक है। तो रोस्टर फॉर्म में किया क्या जाता है एक्चुअली, कि जितने भी सेट के एलिमेंट हैं तो क्या करते हैं, एलिमेंट्स को जो इनलिस्ट करते हैं, ठीक है, किसके अंदर, कर्ली ब्रैकेट के अंदर और कॉमा द्वारा सेपरेट करके। मतलब ये जो अभी देखे थे ना, 1 2 3 4 डॉट 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 5 सपोज, इतना, तो ये क्या है, सेट का एलिमेंट है। तो सेट के एलिमेंट को अगर कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है तो इसको कौन सा फॉर्म कहते हैं, रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म, ठीक है। चलो तो चलो लिख लेते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल इसका, सपोज 1 2 3 4 5 ये, ठीक है। चलो अब इसको जो है सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ठीक है, तो सुनो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या क्या करते हैं, यूजिंग कैरेक्टरिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो एलिमेंट्स का कैरेक्टर है, ठीक है, जो भी उसका प्रॉपर्टी है, जो भी उसका प्रॉपर्टी, उसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, ठीक है। जैसे देखो एग्जाम्पल इसका, इसी का ये देखो रोस्टर फॉर्म में, ठीक है, क्या किए हैं, एलिमेंट को कर्ली ब्रैकेट के अंदर कॉमा द्वारा सेपरेट करके लिखे हैं, तो इसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म, ठीक है। इसी को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखते हैं सुनो, लिखते हैं सपोज ये सेट को कैपिटल ए से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है, तो बताओ इसी सेट को अगर लिखना हो तो कैसे लिखते हैं, कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे एलिमेंट एक्स, ठीक है, कि ये जो सेट ए का एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट एक्स होंगे, और ये सच दैट, क्या पढ़ोगे इसको, सच दैट, वो सारे एलिमेंट सच दैट क्या होगा, एक्स की वैल्यू नेचुरल नंबर होगा, ठीक है, एक्स की वैल्यू क्या, नेचुरल नंबर, एंड नेचुरल नंबर तो है ना, या फिर कर दो एक्स इज इक्वल टू एन, और नेचुरल नंबर जो होगा एन बिलोंग्स टू क्या, नेचुरल नंबर और लेस देन कितना, कितना से लेस होगा, सिक्स से। तो देखो ये जो प्रॉपर्टी लिखा गया है, ठीक है,
क्या ये इसी एलिमेंट को शो कर रहा है? समझो इस बात को, कैसे लिखते हैं? सेट कर्ली ब्रैकेट के अंदर कोई एक अननोन एलिमेंट द्वारा उसका करेक्टरिस्ट को दिखाया जाता है, ठीक है, प्रॉपर्टी को। तो सपोज ए जो सेट है उसके एलिमेंट क्या है, एक्स है, और सारे एलिमेंट एक्स होंगे जो इस क्राइटेरिया को फॉलो करेंगे, क्या कि एक्स का वैल्यू क्या होगा, एन, और एन है क्या नेचुरल नंबर, वो भी किससे लेस, सिक्स से लेस। बताओ सिक्स से लेस जो नेचुरल नंबर है वो कौन कौन होंगे बताना, 1 2 3 4 5, सिक्स से लेस है, तो बताओ यही आए कि नहीं। तो अगर ऐसे करके लिखा जाएगा तो इसको बोला जाता है सेट बिल्डर फॉर्म, और ऐसे लिखा जाए तो इसको बोलते हैं क्या, चलो रोस्टर फॉर्म, ठीक है। एक और एग्जांपल्स लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए सेकेंड एग्जाम्पल, सेकेंड ए इज इक्वल टू 1 अपॉन 1, 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 3, 1 अपॉन 4, डॉट डॉट डॉट, क्लियर ये है। तो बताओ इसको अगर लिखना होगा सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है, सेट बी कंसीडर कर रहे हैं, तो बताओ कैसे लिखोगे। देखो क्या है ये एलिमेंट, तो मान लेते हैं कि एलिमेंट एक्स होगा, ठीक है, किस फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में। एक्स के बाद क्या लिखते हैं, सच दैट, और इसके प्रॉपर्टी को लिखते हैं, ठीक है, कि नंबर कैसे लिख रहे हैं इसमें। तो देखो इसका प्रॉपर्टी को देखो कि न्यूमरेटर में सारे जगह पे क्या है, 1 1 1, तो एक्स इक्वल टू 1 लिख दो अपॉन में, और अपॉन में क्या होगा, देखो क्या पहले एक है, फिर क्या है आगे 2, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद क्या है 4। बट ऐसे लिखना देखो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि क्या बताए थे, छोटा नंबर इस साइड, ठीक है, बड़ा नंबर 1, फिर 1/2, फिर 1/3, ऐसे करके लिख लेना, ठीक है। चलो छोटा नंबर देखो 1 से छोटा ये, इससे छोटा ये, ठीक है, होता जाएगा। तो सुनो तो इस नंबर को हमको लिखना है वहां पे, ठीक है, तो क्या 1 है, 1/2, 1/3, फिर क्या होगा 1/4, ऐसे ही चलता रहेगा। तो बोलो 1 अपॉन n है, और n क्या है, देखो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा, 1 के बाद क्या 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद क्या 4, 1 2 3 4 क्या नेचुरल नंबर है, तो आप लिख सकते हो कि n क्या होगा, n इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। तो सुनो आप नेचुरल नंबर रखो 1 रखोगे तो 1/1 ये एलिमेंट आएगा, ठीक है, आप नेचुरल नंबर 2 रखो तो 1/2 ये आएगा, 3 रखो नेचुरल नंबर तो 1/3, 1/3, तो सारे एक्स के वैल्यू, ठीक है, वो सारे एक्स एलिमेंट हो गए जो इस वैल्यू को सेटिस्फाई करते होंगे, एन क्या है नेचुरल नंबर। चलो 4 रखोगे तो 1/4 है, तो ये जो लिखा हुआ है वही चीज ये भी लिखा हुआ, ये रोस्टर फॉर्म में हुआ, ये टेबलर फॉर्म, और ये क्या सेट बिल्डर फॉर्म, क्लियर। सेट बिल्डर में क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी लिखते हैं, ठीक है, जो उसका कैरेक्टर है। सुनो एक और एग्जांपल देख लेते हैं, थर्ड सी एलिमेंट, ठीक है, चलो ये हो गया। अब इसी चीज को पैटर्न देखो कि कौन से प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, ठीक है, ये वाला सेट। तो सपोज क्या लिखना है, पहले आंख बंद करके एकदम एक्स लिख देना, सच दैट एक्स इज इक्वल टू कैसा प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है, लिखो क्या है, 2 है, 5 है, 10 है, 17 है। तो देखो देखा जाए तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 लिखा हुआ है, ये नंबर देखो 2 का स्क्वायर प्लस 1 है, ये 3 का स्क्वायर प्लस 1, ये बताना क्या है 4 का स्क्वायर प्लस 1 है ऐसा। चलो तो प्रॉपर्टी क्या है कि नंबर का स्क्वायर प्लस 1, नंबर का स्क्वायर प्लस 1 है ना, तो लिखो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर का स्क्वायर प्लस 1, और नंबर क्या है बताना, कौन से नंबर का स्क्वायर हो रहा है, 1 2 3 4, कौन से नंबर का स्क्वायर हो रहा है नेचुरल नंबर, ठीक है, तो यान क्या हो जाएंगे नेचुरल नंबर, क्लियर। इनफाइनाइट सेट है ये भी, तो सारे नेचुरल नंबर के इनफाइनाइट हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो जो एलिमेंट इस सेट में है, ठीक है, वही एलिमेंट इसमें है, फर्क सिर्फ इतना है कि ये सेट बिल्डर फॉर्म में है और ये रोस्टर फॉर्म में है, ठीक है। चलिए तो सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट अब आगे देखते हैं। तो दो तरीके हैं सेट को रिप्रेजेंट करने के, ठीक है, एक रोस्टर फॉर्म, और इसी को टेबलर फॉर्म बोला जाता है। इसमें क्या करते हैं, जो भी सेट का एलिमेंट रहता है उसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर कॉमा द्वारा सेपरेट करके लिखते हैं, ठीक है, और फिर क्या रहा एक सेट बिल्डर फॉर्म, उसमें क्या करते हैं जो भी सेट के एलिमेंट का कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है, उसका जो प्रॉपर्टी है उसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर एक अननोन एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट, एक अननोन एलिमेंट एक्स के द्वारा डिनोट किया जाता है, ठीक है,
एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू उसका जो प्रॉपर्टी होता है, जो भी प्रॉपर्टी वो फॉलो कर रहा है उस प्रॉपर्टी को हम लोग मेंशन करते हैं, ठीक है, और कौन सा नंबर है उसको शो कर देते हैं। चलिए तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, क्वेश्चन इसका देंगे सोल्व करने, ठीक है, सेट तो आप लोग सोल्व करना। चलिए फिर इसके बाद आगे पढ़ते हैं। देखो नल सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट क्या हो जाएगा समझ गए, जिसके एलिमेंट को काउंट कर सकते हैं फाइनाइट सेट, जिसके एलिमेंट को काउंट नहीं कर सकते हैं इनफाइनाइट सेट, ठीक है। चलो फिर क्या हो जाएगा, नल सेट देख लेते हैं या वॉइड सेट, ठीक है। नल सेट क्या होता है, जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, ठीक है, अ सेट विच हैज नो एलिमेंट, ऐसा सेट जिसका कोई एलिमेंट ना हो, ठीक है, ऐसा समुच्चय है जिसमें कोई अवयव ना हो, जिसका कोई सदस्य ना हो, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, नल सेट, शून्य समुच्चय, ठीक है, रिक्त समुच्चय, एम्प्टी सेट ही बोला जाता है। कौन सा सेट, एम्प्टी सेट, वॉइड सेट ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, रिक्त समुच्चय, मतलब जो खाली हो सेट, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाई फाई, ठीक है, फाई से डिनोट करते हैं, या फिर सिंपल इसको ऐसे भी डिनोट करते हैं, ठीक है, क्या इस प्रकार से और या फिर ऐसे, क्लियर। चलो तो इसको फाई बोलते हैं, मतलब फाई का मतलब ये हुआ कि ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ना हो, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो, क्लियर। चलिए तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है, सुनो तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, ये ए इज इक्वल टू एक सेट है एक्स सच दैट एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो वेयर एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, एक्स क्या है, नेचुरल नंबर, तो क्या बोले कि सेट का एलिमेंट कौन होगा, एक्स होगा, कौन से प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है कि एक्स प्लस वन क्या हो जाना चाहिए, जीरो, कब, जब एक्स नेचुरल नंबर हो, तो बताओ ऐसा कोई नेचुरल नंबर बताओ, एक्स ऐसा कोई नेचुरल नंबर जिसमें वन ऐड करने से जीरो होगा, क्या आपके नजर में ऐसा कोई नेचुरल नंबर है जिसमें वन ऐड करने से जीरो हो जाए, तो भाई नेचुरल नंबर बता दें, वन टू थ्री फोर, वन से स्टार्ट होता है, तो बताओ पॉजिटिव नंबर होता है सारे नेचुरल नंबर, पॉजिटिव में अगर पॉजिटिव ऐड करें तो क्या जीरो आएगा कभी, नहीं, तो हमारे नजर में तो ऐसा कोई नेचुरल नंबर नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे एक भी एलिमेंट इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, नहीं करेगा इसका मतलब ये एलिमेंट क्या है, कुछ नहीं है, एक भी एलिमेंट नहीं है इस सेट में, ठीक है, इसको फाइव से भी डिनोट कर सकते हो ऐसे भी, क्लियर। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, बताना एक्स सच दैट एक्स इज अ स्टूडेंट या फिर बॉय, एक्स इज अ बॉय इन योर लोकेलिटी, एक्स इज अ बॉय इन योर लोकेलिटी हु रीड्स मोर देन 24 आवर्स इन अ डे, बताओ ऐसा कोई बंदा, ठीक है, ऐसा कोई गधा होगा आपके लोकेलिटी में जहां आप रहते हो और जो पढ़ता होगा एक दिन में 24 आवर्स से ज्यादा, क्या ऐसा कोई उल्लू का पट्टा है, तो आप बोलोगे नहीं सर हमारे एरिया में तो ऐसा कोई उल्लू का पट्टा नहीं है जो एक दिन में 24 आवर्स से ज्यादा पढ़ता होगा, क्यों 24 आवर्स से ज्यादा एक दिन में होता ही नहीं है, तो फिर पढ़ेगा कहां से, इसका मतलब ऐसा कोई भी लड़का नहीं है, एक्स क्या था, यही एलिमेंट था सेट का, और क्या इसका कैरेक्टरिस्टिक लिखा हुआ है कि एक लड़का जो 24 आवर्स से ज्यादा पढ़ता है एक दिन में, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, इसका मतलब इस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है, ठीक है, तो इसको बोलेंगे नल सेट या एम्प्टी, क्लियर। चलो नेक्स्ट, तो मेरे ख्याल से एम्प्टी सेट क्लियर हो गया होगा। फिर इक्वल सेट, इक्वेलेंट सेट देख लेते हैं, ठीक है, तो सेट का जो क्वेश्चंस होगा हम अपलोड कर देंगे, ठीक है, चलिए सेट इसका प्रोवाइड कर देंगे पीडीएफ जो भी होगा, आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, माया मैथमेटिक्स क्लासेस टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना और इस चैनल को ज्वाइन कर लेना, सर्च करना, ठीक है, और इस चैनल पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ऐसे कोशिश करेंगे
वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही लिंक डाल दिया जाएगा, ठीक है? चलो वहां से भी पीडीएफ मिल जाएगा आपको, लेकिन आप क्या करो ज्वाइन कर लो, ठीक है? टेलीग्राम चैनल भी और टेलीग्राम ग्रुप भी, ठीक है? सुनो फिर क्या है इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट, ठीक है? समतुल्य समुच्चय, समतुल्य समुच्चय। तो सुनो इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, ठीक है? तो देखो टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्विवेलेंट सेट इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। तो सुनो हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिख लेना, दो समुच्चय ए तथा बी समतुल्य समुच्चय कहलाएंगे यदि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इक्वल टू एन बी। इसका मीनिंग क्या हुआ, क्या पढ़ा हुआ इसको, सेट ए में कितने एलिमेंट है, ठीक है? सेट बी में कितने एलिमेंट है, ठीक है? तो सेट ए में जितने एलिमेंट है उसकी संख्या और सेट बी में जितने एलिमेंट है उसकी संख्या, दोनों अगर बराबर है, ठीक है, तो उसको बोल सकते हैं अपन क्या, इक्विवेलेंट सेट, ठीक है? एग्जाम्पल सुनो, सेट ए में कोई एलिमेंट है सपोज 1 2 और सेट बी में सपोज कोई एलिमेंट है क्या ए बी। तो बताओ सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, देखा जाए तो ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 2 एलिमेंट है, और बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, सेट बी में कितने एलिमेंट है, वो भी 2। क्लियर? तो बताओ क्या नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इक्वल है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, है ना? इक्वल है। तो देखो इन दोनों सेट को बोला जा सकता है इक्विवेलेंट सेट, हाँ बोला जा सकता है, क्यों? क्योंकि जितना एलिमेंट इस सेट में है उतना एलिमेंट इस सेट में, ठीक है? चलो तो यहाँ पे इक्विवेलेंट होगा, लिख दे रहे इक्विवेलेंट होगा समझ जाना, ठीक है? नहीं इक्विवेलेंट रहेगा वहां पे कट कर देंगे। दूसरा एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू 1 2 3 है, ठीक है? एंड बी इज इक्वल टू 1 2 1, ठीक है? बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए कितना हो जाएगा, 3। बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी कितना एलिमेंट है इसमें। देखो क्या बोले थे कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, 3 एलिमेंट नहीं 2 ही एलिमेंट है इसमें। अगर ऐसा लिखा हुआ है तो ऐसा लिखना क्या है, गलत है, ठीक है? एक्चुअली में ये 2 ही एलिमेंट लिखा हुआ है, क्या क्या, 1 और 2। तो इसमें ऐसे देख के मत बोल देना कि 3 एलिमेंट है, कितना एलिमेंट है इसमें, 2 एलिमेंट है। तो बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, दोनों इक्वल नहीं है, क्या दोनों इक्विवेलेंट सेट कहलाएंगे? जब इक्वल ही नहीं है तो इक्विवेलेंट सेट फिर कहां से होंगे, ठीक है? नहीं होंगे। आई बात समझ में? चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ए इज इक्वल टू 1 2 3, बी इज इक्वल टू 1 2 3। अब बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए ये भी 3 है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी ये भी क्या है, 3 है, दोनों क्या है, इक्वल है, दोनों क्या होंगे, इक्विवेलेंट होंगे, होंगे इक्विवेलेंट, ये दोनों सेट जो है इक्विवेलेंट होंगे, ठीक है? इसमें भी 3 एलिमेंट है और इसमें भी 3 एलिमेंट है, ठीक है? चलो तो इक्विवेलेंट सेट क्या होंगे, समझ में आ गया होगा। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है? ए इज इक्वल टू 1 2, बी इज इक्वल टू जो सेट है ओ एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 वेयर एक्स इज व्हाट, एनी इंटीजर, ठीक है? चलो बताना क्या ये सेट ए और सेट बी इक्विवेलेंट सेट है। इक्विवेलेंट सेट के लिए जितना एलिमेंट इसमें उतना एलिमेंट इसमें होना चाहिए। तो ए में तो साफ दिख रहा है कितने एलिमेंट है, 1 और 1 2 2 एलिमेंट है। अब बी में देखना है, बताओ बी में क्या है, इस बार देखो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, कौन से फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ, तो इसको कन्वर्ट करना है किसमें, रोस्टर फॉर्म में। तो कैसे, क्या है सेट बी में वैसे एलिमेंट जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करते होंगे, इस इक्वेशन को। तो बोलो इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस उनको सेट बजोगे +1, स्क्वायर हटेगा 2 वैल्यू +-1 होगा। अब बताना तो क्या है, एक्स क्या था, इंटीजर था, +1 भी इंटीजर है -1 भी इंटीजर है, ठीक है? यानी इसमें भी 2 एलिमेंट है सेट बी में भी, कौन कौन सा एलिमेंट है, एक +1 और एक -1, ठीक है? तो बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी कितने एलिमेंट है इसमें, 2, है ना? तो ए में भी 2 एलिमेंट, 2 सेट एलिमेंट था, सेट बी में भी 2 एलिमेंट है, दोनों इक्वल है, इक्विवेलेंट सेट होगा। क्लियर? चलो एक और एग्जांपल इसी में देखो, ये नोट कर लेना, अगर यहाँ पे नेचुरल नंबर आता, ठीक है, क्या होता नेचुरल नंबर, तो सोल्व करने से तो 2 वैल्यू आएगा, एक +1 और एक -1,
लेकिन क्या माइनस वन नेचुरल नंबर है? नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ इस सेट के एक ही एलिमेंट होंगे, सिर्फ और क्या वन, वन ही एक ऐसा नेचुरल नंबर है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा। माइनस वन नहीं हो सकता, माइनस वन आंसर इसका होगा, ठीक है, बट माइनस वन नेचुरल नंबर नहीं है, तो इसमें एक ही एलिमेंट है। अब बताओ, अब इक्विवेलेंट होगा, इसमें दो एलिमेंट, इसमें एक एलिमेंट, नहीं हो पाएगा, क्लियर? ऐसे में हो सकता है क्वेश्चन। चलो इक्विवेलेंट के बाद कौन सा सेट? इक्वल सेट। चलो इक्वल सेट, टाइम ये 1 आवर हो गया लगभग, समान समझे, चलो इसको देख लेते हैं। तो चलो इक्वल सेट, टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल, टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल इफ इच एलिमेंट ऑफ सेट ए, इच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज प्रेजेंट इन सेट बी एंड वाइस वर्सा। सुनो क्या लिखे हैं, दो सेट्स कौन कौन से, ए और बी, एक दूसरे के इक्वल होंगे, ठीक है, क्या होंगे, इक्वल होंगे, कब, अगर सेट ए का हर एक एलिमेंट, इच एलिमेंट ऑफ सेट ए प्रेजेंट इन सेट बी, अगर सेट ए का हर एक एलिमेंट बी में प्रेजेंट है, ठीक है, सेट ए का हर एक एलिमेंट बी में प्रेजेंट है, और वाइस वर्सा का मतलब क्या हुआ कि सेट बी का भी हर एक एलिमेंट किसमें, सेट ए में प्रेजेंट हो, ठीक है, सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी में प्रेजेंट हो, एंड वाइस वर्सा का मतलब क्या हुआ, सेट बी का भी हर एक एलिमेंट किसमें प्रेजेंट हो, सेट ए में, तब बोला जाएगा क्या, दोनों को इक्वल सेट, ठीक है। तो देखो सेट ए में एलिमेंट है 1 2, एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, और सेट बी में एग्जाम्पल यहां पर लिख रहे हैं, सेट बी में भी कितना एलिमेंट है, सपोज 3 4, तो बताओ क्या ए और बी इक्वल सेट होगा, नहीं होगा, ठीक है, क्यों, इक्विवेलेंट हो जाएगा क्योंकि इसमें भी दो एलिमेंट है, इसमें भी दो एलिमेंट है, लेकिन इक्वल सेट में क्या है कि ए के सारे एलिमेंट किसमें होने चाहिए, बी में, और बी के सारे एलिमेंट किसमें होने चाहिए, ए में, तो देखो ए का एलिमेंट 1 2 इसमें है, नहीं है, ठीक है, तो क्या लिखोगे, सुनो तो ये लिखना है आपको कि वन जो है सेट ए से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, वन बिलोंग्स टू सेट ए, वन जो एलिमेंट है सेट ए से बिलोंग कर रहा, बट वन डज नॉट बिलोंग्स टू सेट बी, क्योंकि इसका जो एलिमेंट है सब इसमें होना चाहिए तो नहीं बिलोंग कर रहा, इसलिए इक्वल सेट नहीं है। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है, सेकेंड, चलो एक एग्जाम्पल और, ए इज इक्वल टू सपोज 1 2 3 है, एंड बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट x-1 x-2 x-3 इज इक्वल टू 0 वेयर एक्स इज वॉट एनी नेचुरल नंबर, सॉरी दिख नहीं रहा, एक्स क्या होगा, कोई भी नेचुरल नंबर होगा, ठीक है, तो सुनो सेट ए के कितने एलिमेंट है, 1 2 3, सेट बी सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, कौन से फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में, तो बताओ इसको चेंज करना है रोस्टर फॉर्म में, तो वो सारे एलिमेंट एक्स होगा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हो, मतलब एक्स का वैसा कौन वैल्यू है जिसको रखने पर 0 हो जाए राइट साइड, ठीक है, और कौन सा वैल्यू होना चाहिए, नेचुरल नंबर, तो बताओ 1 -1 0, 0 इंटू समथिंग क्या हो जाएगा, 0 होगा, तो आंसर 1 भी होगा जो इसको इक्वल कर दे 0 के, और कौन सा नेचुरल नंबर, 2, 2 -2 0, 0 इंटू समथिंग हीरो, चलो तो क्या हो जाएगा, 2 भी आंसर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 2 ए भी ऐसा नेचुरल नंबर है जो इसको सेटिस्फाई करता है। अब क्या रखो 3, 3 -3 क्या हो जाएगा, 0, तो 0 हो जाएगा, ये भी 3 भी नेचुरल नंबर है, तो इस सेट का भी एलिमेंट 1 2 3 ही लिखा हुआ है, ये था सेट बिल्डर फॉर्म में और ये है रोस्टर फॉर्म में, ठीक है। अब बताना सेट ए के सारे एलिमेंट क्या सेट बी में है, और सेट बी के भी सारे एलिमेंट किसमें है, सेट ए में, तो ए और बी को इक्वल बोल सकते हैं, और ऐसे डिनोट किया था, ए और बी क्या है, इक्वल है, ठीक है। चलो तो देखो एक और एग्जाम्पल, ए इज इक्वल टू 1 2 एंड बी इज इक्वल टू 1 2 3, क्या ये दोनों इक्विवेलेंट होंगे, सॉरी इक्वल सेट होंगे, देखो ए के एलिमेंट 1 भी इसमें है, 2 भी इसमें है, ए के सारे एलिमेंट बी में, क्या बी के सारे एलिमेंट हैं, 3 जो है 3 बिलोंग्स टू सेट बी, 3 जो हमारा एलिमेंट है सेट बी में है, क्या सेट ए में है, बट 3 डज नॉट, काट दोगे से
तो क्या होगा, डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, तो इसलिए दोनों इक्वल सेट नहीं है। ठीक है, चलो तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर कल बाय, कल जो नेक्स्ट क्लास होगा क्या बोलते हैं, डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे। चलो तो ये डिविजिबिलिटी रूल एक बार अच्छे से पढ़ लो, जरूरी है, ज्यादा नहीं, 10 या 10 to 20 मिनट पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, और फिर उसके बाद हम लोग सेट पे आ जाएंगे, और सेट कल लगभग खत्म कर देंगे, ठीक है, नहीं तो फिर परसों, और उसके बाद इसका सीट प्रोवाइड कर देंगे, PDF आप लोग सोल्व करना है। ठीक है, चलो तो रहने देते हैं आज के लिए इतना ही, आप लोग बढ़िया से पढ़ो, घर पे मेहनत करो।